हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने चने की दाल के परांठे बनाने वाली हूँ। ये चने की दाल है जिसको मैंने 5 से 6 घंटे भिगो के रखे हैं, फिर 2 से 3 पानी में धो के इसको इसका पानी ड्रेन कर दिया है। इसको ऐसे मैंने सुखा लिया है, देखिए। उसके बाद इसमें मसाले जाएंगे, मोटी सौंफ, जीरा, 2 हरी इलायची, मोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च, साथ में हींग, जो इसको मैं तलूंगी इन मसालों के साथ में। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस ऑन कर दिया है मैंने। गैस थोड़ा सा पहले तेज में करूंगी क्योंकि कढ़ाई गर्म हो जाए मेरी। गैस मेरी गर्म हो गई है। अब इसमें 3 से 4 चम्मच मैं सरसों का तेल डाल रही हूं। तेल हमारा गरम हो गया है, उसमें जीरा डाल रही हूं, साथ में मोटी सौंफ। गैस हम इसको सिम कर देंगे। सारे मसाले, अपने खड़े मसाले इसमें डाल दूंगी मैं। मसालों को अच्छे से भून लेना है, इनसे खुशबू आने लगेगी। आपको इसमें फिर हींग डालनी है। 2 चुटकी हींग डाल रही हूं मैं। ज्यादा डालेंगे तो वो कड़वापन आ जाएगा उसका। देखिए मेरे मसाले भून गए हैं। अब इसी में ये मैं भिंगोई हुई दाल डाल रही हूं। देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है मिली जुली मसालों की। हींग है, सौंफ है, इलायची है, बड़ी इलायची है। सबको हम इसको थोड़ा सा 5 से 10 मिनट तक लगभग 10 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। और हमारी दाल ऐसा भूनना है कि हमारी दाल कड़क नहीं हो, सॉफ्ट ही रहे, क्योंकि इसके बाद फिर हम इसको मिक्सी में पीसेंगे मोटा मोटा। बहुत ही टेस्टी बनते हैं पराठे। इसके साथ में जनरली आलू टमाटर की सब्जी खाते हैं, साथ में टमाटर की चटनी। वो आज मैं सब बनाने वाली हूँ। आज मेरा डिनर टाइम हो रहा है। ये देखिए मेरी लगभग दाल पक चुकी है जितना मैं चाहती हूँ। ये देखिए हाथ से टूट रही है मेरी। बहुत ज्यादा नहीं इसको पकाना है हमने। इतना पका के मैं इसको ऑफ कर रही हूँ गैस। एक तरफ मैं आटा गूंथूंगी और ये ठंडा होने के बाद इसको पीसूंगी। मैंने मिक्सी का जार लिया है, उसमें 3 कली लहसुन, 1 हरी मिर्च वो डाल रही हूँ। साथ में मेरा ये जो चने की दाल भुनी हुई है, अब मेरी ठंडी हो गई है, उसको पीसूंगी मैं। पीसूंगी मैं, बारीक नहीं पीसना है मुझको, हल्का मोटा मोटा पीसना है। मेरी दाल पीस गई है, हल्की मैंने मोटी ही रखी है। बारीक करूंगी ज्यादा तो वो पराठे में समझ में नहीं आएगी दाल, इसलिए मैंने मोटा ही रखा है। देखिए इसी समय ही इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि सारे हमने खड़े मसाले डाले हैं, खासतौर से मोटी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, जीरा, सौंफ, हींग, सब की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए मेरी दाल पीस के रेडी हो गई है। एक तरफ मैंने आटा गूंथ लिया है, अपना आटा रेडी है मेरा। अब मैं पराठे बनाने जा रही हूँ, पराठे बना के दिखाऊंगी।
मेरी दाल रेडी है, मेरा आटा रेडी है, अब मैं इसके पराठे बनाने जा रही हूँ। एक चीज तो मैं भूल ही गई, इसमें नमक डालना। अच्छा हुआ जो मुझे तुरंत याद आ गया। मेरे सारे बच्चे कहते हैं आज मम्मा ने कैसा पराठा बनाया है। नमक मैंने मिक्स कर लिया है, देखिए कुछ रेडी होके ऐसे हो गया है मेरा मिक्सचर। अब मैं पराठे बनाने जा रही हूँ, इसमें इसको फिल करूँगी, थोड़ा अच्छे से फिल करूँगी क्योंकि दाल का पराठा है तो समझ में भी आए कि हाँ पराठा दाल भरी हुई है इसमें। मैंने एक तरफ गैस ऑन कर ली है सिम में। इसे बहुत तेज आंच में नहीं पकाते हैं, मीडियम आंच में इसको सेकते हैं पराठों को। और बहुत हल्का, बस हल्के से चित्ते पड़ते हैं जो गुलाबी रंग के, उसी में ही उतार लेना होता है। मैंने पराठे सेक लिए हैं, इतने ही हल्के में सेकना है, ज़्यादा इनको करारा नहीं करना क्योंकि तो ज़्यादा करारा करेंगे तो फिर दाल सारी निकल जाएगी। देखिए ये मैं सेक रही हूँ, बस ऐसे में ही निकाल लूँगी, ऐसे अपने सारे पराठे मैं सेक लूँगी। और साथ में, इसके साथ में हम, मैंने जैसा कहा था कि टमाटर की चटनी खाते हैं, वो सिंपल है, टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्च जीरा और नमक डाल के धनिया पत्ती डाल के उसको पीस लूँगी। वो टमाटर की चटनी इसके साथ अच्छी लगती है। साथ में अगर मन होगा या बच्चे बोलेंगे तो साथ आलू टमाटर की सब्जी भी बना लूँगी, उसकी भी सिंपल ही है, जैसे हम लोग बनाते हैं जीरे से तड़का लगाते हैं, बाकी आलू टमाटर की सब्जी के साथ में अच्छा लगता है। बाकी बच्चों के डिपेंड करता है, उनके मूड के ऊपर है, चटनी के साथ पसंद करेंगे तो मेरा डिनर रेडी है। ऐसे आप जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई करिएगा, ये दाल के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। कुछ भी नहीं होगा तो अचार के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। आप जरूर ट्राई करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।